सुब्रू, अगर वोडाफोन आइडिया के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो वो ना इस तरह से आपको दिखाई देगा, मतलब कि माइनस में सब कुछ घाटे में चल रहा है, ठीक है? आपके सामने लाल रंग के उसे दिख रहा होगा, ठीक है? तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो मैंने इस स्टॉक को ख़रीदा था, ठीक है? देखो जो भी मैंने किया है ना अभी तक, सब आपको दिखाई देगा, देखो स्क्रीन पर देखो। तो ये मेरी हिस्ट्री है जो मैंने स्टॉक वगैरह परचेज़ किए थे। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, देखो वोडाफोन आइडिया, ठीक है? मैंने परचेस किए थे कौन सी तारीख को, 2 तारीख को 2021 में, और देखो प्राइस भी आपके सामने दिख रहा होगा। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा एक शेयर, ठीक है? पूरा देखो ठीक है, एक मत देखो, पूरा देखो, ठीक है? 316 शेयर मैंने खरीदे थे 12.75 रुपये पे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने खरीदे थे, ठीक है, 10:54 पे, ठीक है? ठीक है, और लगभग मुझे कितने के पड़े थे मुझे पता नहीं, और उसी के बाद देखो मैंने इसे कितने में सेल किया, 12.75 रुपये पे मैंने ख़रीदा। उसके बाद मैंने इसको सेल कर दिया, कितनी क्वांटिटी, 315 क्वांटिटी मैंने सेल कर दी 13 रुपये में, और मुझे लगभग 75 रुपये के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है? सो ब्रो देखो, मैंने 2 तारीख को ही ख़रीदा था, आपके सामने डेट दिख रही है, और 2 तारीख को ही मैंने बेच दिया था। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि ब्रो मुझे पता था कि यार इसमें कुछ ना कुछ घोटाला चल रहा है, मतलब गड़बड़ चल रहा है इसका मामला, मुझे कैसे ना कैसे करके नुकसान होगा। तो देखो उसके बाद भी ना, जब मैंने उस दिन इस पर मतलब सेल परचेसिंग करी, तो मुझे दिखा यार कि ये तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है कंपनियाँ, मतलब इसके स्टॉक का प्राइस तो है बढ़ते ही जा रहा है। देखो आपके सामने दिखाता हूँ, देखो एक वीक का मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो मैंने अभी आपको दिखाया था ना मैंने कितने में ख़रीदा था, मैंने आपको बताया था ना मैंने 12 रुपये पे ख़रीदा था, ठीक है? एक बार फिर से देख लो, मैंने ख़रीदा था 12.75 रुपये पे 2 तारीख को, ठीक है? 2 दिसंबर को मैंने ख़रीदा था ये, ठीक है? अभी देखो, तो ब्रो जैसे ही मैंने ख़रीदा, आप सोचो मेरी मेंटालिटी क्या रही होगी उसको ख़रीदने के बाद से बेचने के बाद। मुझे लगा कि यार ये तो प्राइस हो जाए इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो 3 दिसंबर को इसका प्राइस हुआ कितना, 12.95 रुपये। उसके बाद धीरे धीरे देखो इसका प्राइस बढ़ता गया। तो मेरे मन में ना सीरियसली बताऊँ भाई, बहुत लालच आ गया। देखो 6 तारीख को इसका प्राइस हो गया था 15.50 रुपये, 6 तारीख को, सिर्फ 3 दिन में। तो ये मान के चलो अगर मैंने उस टाइम पे से 12,000 लगाए होते, तो 3 दिन के अंदर मेरा पैसे लगभग मुझे 15,000 रुपये खर्च करने पे, नहीं 12,000 रुपये खर्च करने पे मुझे 3,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि अगर मैं 12 रुपये पर शेयर ख़रीदता तो 3 दिन बाद मुझे 15,000 रुपये मिल जाते, ठीक है? क्योंकि 12 से 15 रुपये उसका रेट हो गया था। तो उसके बाद भी ब्रो मुझे पता था कि जो इसका जो मतलब आप देख सकते हो, देखो जो चल रहा है ना इसके नीचे, देखो इसकी जो बुक वैल्यू है -18 रुपये, इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 225 रुपये चल रहा है, ठीक है? 225% है। तो उस टाइम पे ये चीज़ें थी और ये आज भी है, ठीक है? तो मुझे उस टाइम लगा था कि यार मुझे लालच नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार अगर इस कंपनी का सारे के सारे स्टॉक मतलब लोगों ने सेल पर लगा दिया ना, तो आपका स्टॉक बिकना ही बंद हो जाएगा, मतलब बिकेगा ही नहीं। उसके बाद आप देखो, उसके बाद इसका स्टॉक का प्राइस गिरा और फिर उसके बाद दोबारा से उठ गया 16 रुपये। मेरे मन में फिर से लालच आया, लेकिन मुझे पता था कि यार ज़्यादा लालच नहीं करना है। और आज आप फिर से इसका स्टॉक देखोगे तो बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो मेरी तरफ से आपके लिए ये सजेशन है कि देखो लालच मत करना, और अगर आपने स्टॉक को ख़रीद रखा है पहले से, तो जैसे ही आपको प्रॉफिट दिखे आप इसे बेच देना, और अगर आपने नहीं ख़रीदा है तो मत ख़रीदना, और अगर आप वैसे घाटे पे तो नहीं चल रहे होंगे लेकिन इसको मत खरीदना है भाई, ये रिस्की है। आपके पास ख़रीदने के लिए और बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप बाकी स्टॉक पे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, लगाने के लिए इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन यार आप अपने हिसाब से लगाना, पहले इस चीज़ इसके बारे में अच्छे से डिटेल देख लेना, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है कंपनी, ग्रोथ होगी नहीं होगी। देखो मैं भी ये नहीं कह सकता कि हो सकता है कि कल के दिन इसका प्राइस 17 रुपये हो जाए, 15 से 16 रुपये हो जाए, हो सकता है, होने के लिए देखो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बस मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं, मतलब एकदम से उठती हैं फिर एकदम से नीचे गिरती रहती हैं।